अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का दिन। जैसे कि आपको बताया था कि इतनी बड़ी खुशी की खबर है, तो अब सेलिब्रेशंस तो बनती हैं ना। बस उसी सेलिब्रेशंस के लिए हम तैयारी कर रहे हैं इंगेजमेंट के फंक्शन की। एंड आपको पता है शॉपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्राइडल ड्रेस से। फिर सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंगली सेट होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ब्राइडल ड्रेस फाइंड कर रहे हैं हम, और सबसे पहले हमने ट्राई किया रहीम सेंटर में, मदनी सेंटर में, जो हुसैनागाई में है। हम ना 8 ईयर्स बाद इस वैरायटी के लिए निकले हैं, आई मीन ब्राइडल ड्रेसेस के लिए। तो वी हैव नो आइडिया कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह की वैरायटी चल रही है। सो यहाँ पर तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया, बिल्कुल भी हमारे टाइप की चीज़ें नहीं थी। उसके बाद हम चले मुल्तान कैंट की तरफ, चक्की वाली गली में। कुछ दुपट्टे मैचिंग करने थे और स्पेशली ब्राइडल ड्रेस देखना था हमें। द मेन प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है प्रिपरेशंस के लिए। ये सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद भी पता चला यहाँ भी बात नहीं बनेगी। सो वी स्टार्टेड टू सर्च ऑनलाइन, और ऑनलाइन हमें इरम खान कुचोर का एक ड्रेस पसंद आया। वो बहुत ही खूबसूरत था, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। रीच आउट करने पर पता चला कि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ये ऑर्डर कभी भी रेडी नहीं हो सकता। सो अब लास्ट ऑप्शन बनती है डिज़ाइनर ड्रेस पर। वो सारी शॉप्स देखने के बाद जहाँ से हमने अपनी वेडिंग की शॉपिंग की थी, बात नहीं बनी और हम घर पहुँच गए। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई फाइंड द पीस, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल प्लेस। यहाँ बैठकर मैंने कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह ताला का जिक्र किया। चाहिए तो ये कि डेली पढ़ा जाए, वहाँ तो पढ़ लेती थी, यहाँ बहुत टफ रूटीन हो गई है तो इस वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा। अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए, मेरे लिए, हम तमाम लोगों के लिए। अच्छा, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ना मेरी नज़र फ्लावर्स पर पड़ी, और जैसे ही मैंने इन फ्लावर्स को देखा ना, तो मुझे एक बहुत प्यारी सी बात माइंड में आई, एंड आई थॉट कि मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूं। आप जैसे कि देख रहे होंगे, एक ग्रोन अप फ्लावर है, एक बेबी फ्लावर है, एंड एक अबाउट टू फॉल है। तो ज़िंदगी भी हमारी इसी तरह इतनी ही मुख्तसर है, कब हम भी चले जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, और हमने अपने आप को किन चीज़ों के अंदर थकाया हुआ है। वाई नॉट टू थिंक अबाउट द पर्पज़ ऑफ लाइफ, क्यों अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। वन मोर ब्यूटिफुल मैसेज, अपने आप को इन फूलों की खुशबू की तरह ना बनाया जाए कि हर कोई आपसे इम्प्रेस हो, आपके अखलाक से, आपके किरदार से, आपकी पर्सनैलिटी से आपको आइडियलाइज़ करे। वाई नॉट टू डू दिस एंड थिंक पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव, एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल मैसेज जो मेरे बच्चों ने मुझे दिया। Why you put it in the water? It will be dead. If we don't put it in the water, it will be totally dead and brown. Oh. That's why we put it in the water. Oh, these are so beautiful. Thank you. रात को फिर हम हिम्मत करके निकले ब्राइडल ड्रेस के लिए, फुल ऑनलाइन रिसर्च के साथ। एंड दिस टाइम हम ब्राइड को भी साथ ही लेकर गए थे, क्योंकि आपको पता है कि जिसने पहनना है उसी की चॉइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम पहुंचे वलीद खान के पास शरीफ प्लाजा वाली ब्रांच में, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। एंड ये वी फाउंड द ड्रेस, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी चॉइस का ड्रेस यहाँ मिल गया था। अब आपको इस ड्रेस को और अपनी सारी शॉपिंग को मैं इंशाल्लाह वेरी सून दिखाऊंगी। सो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, जितनी जल्दी जितने काम हो जाएं उतना अच्छा है ना। तो ब्राइड भी साथ थी और शूज़ साइज़ के लिए प्रॉब्लम भी नहीं होनी थी, तो हम यहाँ पहुँच गए। इफ़ यू आर बाइंग शूज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड सी इज़ कम्फी शू होना चाहिए। जितना ज़्यादा कम्फर्टेबल उतना ज़्यादा ईजी टू वॉक। तो दो तीन शूज़ ट्राई करने के बाद वी फाउंड दिस वन। ये बाय करने के बाद हमें लग गई थी भूख, हल्की फुल्की भूख में कुछ ना कुछ तो चलता है ना।
तो फिर हम पहुँचे यहाँ पर और ड्रिंक्स ऑर्डर की हमने. एंड लुक व्हाट आई फाउंड, फालसे का जूस. आउट ऑफ सीज़न बट इट वॉज रियली वेरी वेरी यमी. सेम टेस्ट था, बिल्कुल भी चेंज नहीं था. हमने यहाँ चिकन शवरमा ऑर्डर किए, वो खाए और फिर हम घर को पहुँचे. आज ना हमने बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर लिया है. ब्राइडल ड्रेस कन्फर्म हो गया, अब बाकी सारी शॉपिंग इसी के अकॉर्डिंगली हम करते जाएंगे. रात को मैं गई गोला खाने के लिए. ये गोला डिफरेंट वाला है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ. ये है एडी का गोला एंड इसको मैं 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम हियर. दिस टाइम मैं अपनी बहन और बहनोई के साथ यहाँ पर आई हूँ. इसका टेस्ट बहुत यमी है. टेस्ट के साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ अच्छी लगी वो है सफाई. इसका खोया बहुत मज़े का है, बहुत ही मज़े का खोया है इसका. अब इसकी आदत हो गई है मुझे और ये हमारे घर के भी करीब है तो हम यहाँ जल्दी जल्दी चक्कर लगाएंगे. सबसे मज़े की बात यहाँ ये कि बच्चों को हमने साइड पर लगाया और उनको कॉटन कैंडी देकर हमने यहाँ बिठा दिया था. हमने गाड़ी में आराम सुकून से खाया इंजॉय करते हुए. लुक एट द बेस्ट थिंग, वाटर कूलर लगा हुआ है. आराम से बच्चों ने जाके अपने हैंड्स वॉश किए और हम साफ सुथरे होकर गाड़ी में बैठे. नो चिप चिप. दिस टाइम घर आके मेरी मामा से बहुत ज़्यादा क्लास लगी एंड आई डोंट नो कि अब मैं दोबारा गोला खाने जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि मम्मा का कहना यह है कि मौसम चेंज हो रहा है, बीमार हो जाऊँगी. आई एम बैक टू होम और बाबा के लिए भी गोला लेकर आए हैं. पापा गोला खड़ा था आपका. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय, अल्लाह हाफिज़.